हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अलग तरीके की एग की रेसिपी बनाना बताऊंगी। हमारी रेसिपी है एग अप्पे मसाला करी। एग अप्पे मसाला करी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी टमाटर प्यूरी। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिसको मैंने फ्राई किया है, और उसके साथ 6-7 काजू भी फ्राई किए हैं। 1/2 कटोरी दही, 4 हरी मिर्च महीन कटी हुई, अदरक महीन कटी हुई 1 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन महीन कटा हुआ, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ी चम्मच बेसन, 1 चम्मच नमक। अब हम फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट बनाएंगे। मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है। मैंने पैन में ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दिया है। अब तेल गरम हो गया है, इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च, 2 छोटी इलायची। अब इसको चलाएंगे गोल्डन होने तक। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन डाल के भूनेंगे। अब लाल मिर्च डालेंगे इसमें, हल्दी, धनिया पाउडर, इसको थोड़ा भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी, इसको चलाएंगे। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डालकर इसे भूनेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और गरम मसाला। इसको 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हमारी ग्रेवी पक गई है और हम एग अप्पे बनाएंगे। यहाँ हमने 4 अंडे लिए हैं। अब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और नमक। अब हम इसको फेंट लेंगे। एग अप्पे बनाने के लिए हमने अप्पे पैन लिया है। अब इसको हमने ऑयलिंग कर दी है। अब इसमें हम एग डालेंगे। इसको हम ज्यादा ऊपर तक नहीं करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। अब हमने इसको फिल कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए इसको ढककर हम पकाएंगे। अप्पे हमारे एक तरफ से पक गए हैं। अब हम इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। ऐसे ही हम सारे अप्पों को पलट लेंगे। अब हम प्लेटिंग करेंगे और ग्रेवी को अब दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमें थिक ग्रेवी बनानी थी और ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी बनी हुई है। अब हम इसमें एग अप्पे रखेंगे।
अब हमारा एग अप्पे मसाला करी तैयार है। इसको हम धनिया से गार्निश करेंगे। दोस्तों, ये हमारी एग अप्पे मसाला करी तैयार है।